हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियो में इतना प्यार देने के लिए। और आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया था कि कटअप कितना जाएगा, तो ये तो अभी मुझे नहीं पता है, बट मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कटअप इस बार का कितना तक जाने वाला है, सीबीटी 1 और 2 का, और ये कितने मार्क्स का होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो पर आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो गाइज, मैं NTPC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी 12th वालों के लिए फॉर्म की वैकेंसी नहीं आई है, सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए आई है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर लिया तो मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, और सेल्फ स्टडी से ही आप पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम क्रैक कर लो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिस हिसाब से आपको पता चलेगा कि CBT 1 का कितना कटअप जाएगा और CBT 2 का कितना कटअप जाएगा। हर स्टेट का अलग अलग जाता है, तो ये चीज़ आप वीडियो पॉज करके देख लेना। और ये बता दूं मैं आपको कि जो CBT 1 की एग्ज़ाम होती है वो 100 मार्क्स की होती है, और जो CBT 2 की होती है वो 120 की होती है। और कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और अभी जितने भी कटअप जाने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, और पॉसिबिलिटी है कि कटअप इससे हल्का हाई जाएगा या इतना ही जाएगा, बट इससे लो नहीं जाएगा। और ये कैटेगरी वाइज है, जो SC ST है या फिर जो जनरल है, OBC है, उन सबका अलग अलग है, और EWS वालों का भी अलग है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये पिछले ईयर की है, और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कटअप कितना जाने वाला है। इससे हाई ही जा सकता है बट इससे लो नहीं जाने वाला है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग कटअप जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है कि इस बार इतना आया तो अगले बार भी इतना ही आएगा। इससे हाई भी हो सकता है, इससे लो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपने किस कौन से जोन को चूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि CBT 1 में कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं और CBT 2 में कितने मार्क्स के। CBT 1 में 100 और CBT 2 में 120 के मार्क्स होते हैं, और साथ ही साथ आपका मेडिकल होगा उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो। तो आपने जो भी जोन चूज़ किया है, इस बार तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, बट आपने जो भी जोन चूज़ किया है आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि वहाँ का कटअप कितना जाता है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार का कटअप कितना जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, और भी अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर कर दूँगी, और सिलेबस भी इसमें मैंने दिखा दिया है, तो आप आज से ही प्रिपरेशन में लग जाओ। ऑल द बेस्ट।